तो अगला प्रमेय, अगला प्रमेय है मध्यमान, मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इसे लैग्रैंज ए, एल ए जी आर ए एन जी ई थ्योरम भी कहते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है, इस प्रमेय के अनुसार के अनुसार यदि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत सतत हो एवं ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनी अवकलनी हो तथा एफ ए is not equal to F, तब क्या होगा, तब देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई सी फिर आपको मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इस बार एफ डैश सी को जीरो नहीं दिखा, क्योंकि एफ डैश सी जीरो का मतलब हो गया कि अवकल गुणांक एक्स अक्ष के समान था, लेकिन इस बार अवकल गुणांक एक्स अक्ष के समांतर, अवकल गुणांक का मतलब प्रवणता, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इस बार एक्स अक्ष के समांतर नहीं हो बल्कि उस रेखा के समांतर होगी, उस रेखा के समांतर होगी। कौन सी रेखा, जो कौन कौन से दो बिंदुओं को मिला रही, ए और एफ ए, एक बिंदु हुआ और दूसरा बिंदु बी एफ ए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अगर इन इन दोनों ये दो बिंदु दिए हैं तो दो बिंदु की प्रवणता, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझ पाए। तो इस बार आपको c ऐसा बिंदु मिलेगा जिसके लिए ये इसके बारे में f, यहां अगर फिर ज्यामिति रूप ज्योमेट्रिकल इसको देखा जाए तो कैसी फिगर बनने आप जा रही है, ये देखें। इस बार एफ ए, ये मान लो ए बिंदु था, ये हुआ एफ ए, ये ऊंचाई और ये वो बिंदु हुआ ए एफ, ये वाला ठीक, ये बिंदु बी है और ये फलन की वैल्यू बी पर, ये
effort. अब इनके बीच एफेक्ट्स का आलेख उत्पन्न हो सकता है, अवतल हो सकता है, सीधी रेखा हो सकता है, ठीक है, कई प्रकार का साइन जैसा फर्क बन सकता है, कुछ भी बन, ठीक, कुछ भी बन। मान लो आपने कहा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो इस कर्व पर, इस कर्व पर, इस वक्र पर एक बिंदु x इक्वल टू c के संगत तो होगा c और ये x कोऑर्डिनेट c, y कोऑर्डिनेट c, कहीं ना कहीं इसका सब जगह नहीं, कहीं ना कहीं एक बिंदु जरूर होगा जिसका अवकल गुणांक किसके बराबर होगा, इस रेखा की प्रवणता के बराबर। कैसे? ये देखो, मान लो थोड़ा अंदाज से हमने ये लिया, ये तो यहां अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो इस लाइन के समांतर है, तो जब इस रेखा की प्रवणता इसके समांतर है तो ये किस बिंदु पर है, x बराबर c के संगत, तो इसकी प्रवणता हुई f डैश c इस लाइन की, और इसकी इस रेखा की, देख ये कहा गया वर्तमान प्रवृत्ति, बात क्लियर हुई। ऐसा कर्व होता था भी कोई बिंदु मिलता है, ऐसा कर्व आपने कहा कि मान लो जो आपने रेखा खींची है वही कर्व है, वही वक्र है, तो फिर तो इस पे अनंत जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसी के समानुपाती हो, सो देयर आर इनफाइनाइट सीज, तो ये मध्यमान प्रमेय। अब मध्यमान प्रमेय को आपको कैसे सिद्ध करना है, ठीक, सब कुछ वैसे आप सबसे पहले ये देखा, मतलब अगर पांच स्टेप्स फिर से बताए हैं तो वो पांच स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप, f a दिखाइए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, दूसरा पॉइंट दिखाइए ओपन इंटरवल ए बी में फलन फलन अवकलनी अवकलनी व क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ये दिखाइए। एक तीसरा पॉइंट माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चौथा पॉइंट एफ डैश सी निकालिए और उसको किसके बराबर रखिए, एफ डैश सी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा, फलन का अवकलन किया और जो अवकलन आया उसमें x इक्वल टू क्या रख दिया, f डैश c याद कीजिए, ठीक। फिर पांच ए चौथा पॉइंट क्या होगा, f डैश c इक्वल टू f b माइनस f a अपॉन b माइनस a, ये रखिए रखिए, ठीक, और क्या निकालिए, एक समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण से क्या ज्ञात कीजिए, सी सी ज्ञात कीजिए, सी ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए। पांचवा दिखाइए, दिखाइए C belongs to open interval A, ठीक। तो ये है, इसे आप समझ में आ गया,
भाई उसमें अपने ऐसी जीरो रख के सी निकालते थे और इसमें अपने ऐसी को ये रखोगे एफ बी माइनस ये रख करके क्या निकालोगे सी, और सी को अल्टीमेटली दिखाना है कि वो किसका सदस्य है, वो इंटरवल मतलब ए और बी के बीच में, बीचों बीच की बात नहीं।